गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आप लोग सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम के लिए जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 8 फरवरी को स्टार्ट होना है उसमें इंग्लिश का पेपर है और उस इंग्लिश पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग से प्रोमिस किया था कि आपके लिए मैं लाऊंगा कल 120 सौ बीस एम क्वेश्चन जो बहुत ही भी, भी होगा लेकिन किसी कारणवश एक क्वेश्चन तो नहीं लेकिन मैं आप लोग के लिए लाया हूँ पचास एम सी क्यू क्वेश्चन उम्मीद है कि आपका यह पचास एम सी क्यू क्वेश्चन यदि आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा सो डियर स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट फर्स्ट वन इज लिटिल फ्रेंज वाज ग्रेट ग्रेड ऑफ अस्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज लिटिल फ्रेंज पूरा डरा हुआ था डटाने को लेकर क्योंकि एम हेमेल वुड Punisher, क्योंकि एम हेमेल उसको पनिश करेंगे एम हेमेल उड आस्क द क्वेश्चन एम हेमल उससे सवाल पूछेंगे एम हेमेल उड सेंड हिम बैक एम हेमेल उसको वापस भेजेंगे ऑल ऑफ डेज तो ऑप्शन नंबर इन चारों में से आंसर होगा एम हेमेल उड आस्क अ क्वेश्चन नेक्स्ट वन इज वाई डिड फ्रेंच थिंक टू रन अवे एंड नाट स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर लिटिल फ्रेंच रन अवे क्यों होना चाह रन अवे होने के लिए क्यों सोचता है और रन अवे होने के बाद स्पेंड करने के लिए क्यों सोचता है पूरे दिन को अपने घर से बाहर डे वाज वाम डे वाम था डे वाज ब्राइट डे ब्राइट भी था एंड द बर्ड्स वे आज चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स जो पक्षी जो थे एज ऑफ द वुड में चर्पिंग कर रहे थे ऑल ऑफ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द ड्यूरिंग द स्कूल टाइम यूजली डियर वियर डॉट 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 इन द क्लास रूम स्कूल टाइम के दौरान आमतौर पर क्लास रूम में क्या होते रहता था साउंड ऑफ रीडिंग स्टूडेंट्स इन ग्रुप्टूडेंट्स का साउंड रीडिंग का ग्रुप में साउंड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क डेस्क को ओपन और क्लोज करने का साउंड साउंड ऑफ रूलर रैपिंग ऑन द टेबल रूलर यहाँ पे बोला गया है छड़ी को जो छड़ी का आवाज़ टेबल पे पटकने का ऑल ऑफ एब ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर आई थिंक डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन इज हु सेट गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंज कौन बोला कि लिटिल फ्रेंज अपने जगह पर तेजी से चले जाओ एम हेमेल विलेजर्स वाचर ब्लैक स्मिथ राइट आंसर इज एम हेमेल नेक्स्ट वन इज फ्रॉम वेयर हैड द ऑर्डर कम टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज कहाँ से आया था ऑर्डर जर्मन लैंग्वेज केवल पढ़ाने के लिए बर्लिन से अल्सेस से लोरेन से नन से आंसर इज बर्लिन नेक्स्ट वन इज ऑन दैट डे हु सब्जेक्ट वाज आउट बाई एम हेमेल एट फर्स्ट उस उस दिन एम हेमेल के द्वारा कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ाया गया था ग्रामर राइटिंग इंग्लिश नन

सुधार लीजिएगा पेरेंट्स ऑल्सो प्रेफर्ड देम टू वर्क इन देम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है स्टूडेंट्स को फॉर्म मिल अ स्कूल ओनली ए एंड बी ऑप्शन नंबर डी ओनली ए एंड बी बी द राइट आंसर द प्रशियन सोल्जर्स वे ड्रिलिंग ड्रीलिंग सोल्जर्स ड्रील कर रहे थे अभ्यास कर रहे थे इन द स्कूल इन द गार्डन इन द सो मिल इन द ग्राउंड इन द प्ले ग्राउंड आई थिंक आंसर इज इन द प्ले ग्राउंड प्ले ग्राउंड यहाँ पे ग्राउंड मेंशन हो सकता है में ग्राउंड आएगा हिस्ट्री हिस्ट्री वाज उस दिन कौन से सब्जेक्ट के बाद पढ़ाया गया था एम एम के द्वारा वहां के बच्चों को इंग्लिश राइटिंग ग्रामर नन ऑप्शन इज राइटिंग आफ्टर राइटिंग डेयर बाई द क्लास ऑफ हिस्ट्री समटाइम साहेब फाइंड डॉट 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 इन द गार्बेज कभी कभार साहेब को कचरा के ढेर में मिलता है अरोपी ऑप्शन ए आरोपी वेयर वाई द साहेब ओल्ड हाउस साहेब का ओल्ड हाउस कहां था आई थिंक आंसर इज ढाका साहेब फाइंड समथिंग इन गार्बेज साहेब फाइंड समथिंग इन गार्बेज बिकॉज ही हैज नथिंग टू डू ही हैज नथिंग टू डू नथिंग टू इट नथिंग टू प्ले नथिंग टू फाइन नथिंग टू डू उसके पास कुछ काम नहीं होता है इसीलिए वह गार्बेज में कुछ ढूंढते रहता है ढाका टू तो इंडिया इन डॉट डो डोट साहेब के फैमिली ढाका से इंडिया में आए थे सत्रह सौ इकहत्तर अठारह सौ इकहत्तर उन्नीस सौ इकहत्तर दो हजार तेरह इन सरीज उन्नीस सौ इकहत्तर रैकपीकर इन सीमापुरी एज यहाँ पर एज वेल एज सुधारिएगा यहाँ पर एज वेल एज होगा रैकपीकर इन सीमापुरी एज वेल एज थ्रू आउट द कंट्री रिमेन बियर फुट बिकॉज ऑफ सीमापुरी के पिकर्स और पूरे इंडिया के रैकपीकर बियर फुट रहते हैं खाली पे रहते हैं क्योंकि लैक ऑफ मनी उन लोग के पास पैसों का कमी होता है बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन बिकॉज ऑफ रिच बिकॉज ऑफ फूड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर उन लोग का एक परंपरा है खाली पे रहने का नंगे पांव रहने का लिविंग इन सीमापुरी मीन्स सीमापुरी में लिव करने का मतलब होता है ओनली अर्निंग मनी केवल पैसा कमाना ओनली वॉकिंग केवल वॉकिंग करना ओनली रैक पिकिंग केवल रैक पिकिंग करना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हाउ मेनी रेगपिकर्स लिव्ड इन सीमापुरी सीमापुरी में कितने रेगपिकर्स रहते थे टेन थाउजेंड हाउ मच मनी डिड साहेब गेट एज अ पेमेंट साहेब पेमेंट के रूप में कितना पैसा प्राप्त करता था एट हंड्रेड इज द राइट एंसर हर आईज वेयर फिल्ड विथ स्मोक एंड सी वाज स्टील स्माइलिंग हु इज सी उसका आँख भरा हुआ था अस्मोक से धुआं से एन सी वाज आ स्टिल स्माइलिंग फिर भी वह मुस्कुरा रही थी तो जो मुस्कुरा रही थी जिसका आंख धुआं से भरा हुआ था वह कौन है यहाँ पर मुकेश मदर मुकेश भाभी मुकेश एल्डर ब्रदर्स वाइफ ओनली बी एन सी ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर बिकॉज़ सबिता वाज गर्ल इन डॉट डॉट ड्रेस ऑप्शन इज पिंक इसका मतलब यह हुआ कि सबिता यंग लड़की है सबिता यंग लड़की थी जो डॉट 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 ड्रेस में थी तो कैसी ड्रेस में थी तो पिंक ड्रेस में सबिता वाज फ्रॉम फैमिली ऑफ डॉट 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 सबिता जिस फैमिली से बिलोंग करती थी उसके फैमिली थे टेलर ब्रेड मेकर बेंगल मेकर नन ऑफ ड्रेज ऑप्शन एच बेंगल मेकर वाई डिड मुकेश नोट वन टू बी पायलट मुकेश पायलट बनना क्यों नहीं चाहता था वह केवल मोटर मैकेनिक बनना चाहता था क्यों वह पायलट बनना क्यों नहीं चाहता था बिकॉज फ्यू कार्स क्रॉस इन द स्टेट ऑफ़ फिरोजाबाद क्योंकि उसके फिरोजाबाद के गली से कुछ कार क्रॉस करते थे बिकॉज मैनी प्लेन्स क्रॉस इन द स्टेट ऑफ़ फिरोजाबाद क्योंकि उसके फिरोजाबाद के गली से बहुत सारे प्लेन क्रॉस करते थे ओनली फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद केवल फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ ही प्लेन उड़ान भरते थे ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर द ओल्ड प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर वाज मुकेश फादर के मुकेश के पिताजी का पुराना व्यवसाय क्या था मेकिंग ब्रेड टेलरिंग मेकिंग बेंगल्स ऑल ऑफ डेज तो उनका पुराना बिजनेस था टेलरिंग का लेकिन वो वह टेलरिंग का काम जो था इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था तो उस काम को छोड़कर बेंगल्स मेकिंग में आ गए हालांकि यहाँ भी उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था विच रिवर वाज ट्रेचरस फॉर न्यू स्विमर न्यू स्विमर के लिए कौन सा नदी मतलब ट्रेचरस था खतरनाक था वाई एम सी ए याकिमा रिवर बोथ नान तो मेरे ख्याल से याकिमा रिवर द वाटर लेवल ऑफ वाई एम सी ए पुल वाज़ ओनली डॉट डॉट डोड फीट डीप इन वन साइड वाई एम सी ए पुल में जो पानी का लेवल था वह एक साइड में डॉट डॉट फिट डीप था कितना डीप पानी था थ्री फोर वन ओनली टू एंड थ्री ऑप्शन नंबर डी बिकॉज थ्री भी था और टू भी वेयर ऑथरस हेड वॉज बरीड इन वाटर एट फर्स्ट ऑथर का हेड पानी में गड़ा था सबसे पहले कहाँ वाई एम सी ए पुल में याकिमा रिवर में कैलिफोर्निया बीच में ऑल ऑफ एबॉक में तो कैलिफोर्निया बीच में जब वह अपने पिताजी के साथ गया था तब वो भी तीन चार साल की उम्र में इनिशियली ऑथर वाज हेटिंग विथ हिज डॉट 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 टू गो टू वाटर स्टार्टिंग में ऑथर नफरत कर रहा था हेट कर रहा था अपने कैची से पानी में जाने के लिए ऑस्किनी लेग से ऑस्किनी हैंड से फ्रेंड से ऑल ऑफ एबॉक से अपने आस्किनी लेक के कारण वह नंगे पानी में जाने से परहेज कर रहा था फिर भी अंतर गया था ऑथर फॉर रोप्स, लेडर्स वाटर विंग बट गोट ओनली ऑथर जब पानी में डूब रहा था तो डूबने के क्रम में ऑथर रोप्स के लिए गया लेडर्स के लिए गया वाटर विंग के लिए गया बट गोट ओनली मतलब ये तीन चीज के लिए गया लेकिन उसे केवल प्राप्त हुआ क्या रोप्स लेडर्स वाटर विंग वाटर तो कुछ नहीं वाटर ही वाटर मिला उसको तीनों में से कुछ भी नहीं उसको मिला था केवल तो पानी ही पानी उसको चारों तरफ प्राप्त हुआ वाट वाज पुलिंग हिज लेग अंडर द वाटर उसका पैर पानी के नीचे क्या खींच रहा था पावर ऑफ वाटर पावर ऑफ हिज बॉडी पावर ऑफ रोप पावर ऑफ घोस्ट। आई थिंक ऑप्शन इज पावर ऑफ वाटर वाटर का पानी ही उसको पानी के नीचे खींचे जा रहा था हाउ डिड ऑथर ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर ऑथर पानी के डर के ऊपर विजय प्राप्त कैसे किया बाई लर्निंग हाउ टू स्विम बाई टीचिंग बाई बटर ऑल ऑफ एब तो वह स्विमिंग सीख कर पानी के ऊपर पानी का जो डर था उसके ऊपर वो विजय प्राप्त किया वेन डिड डोगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर डोगलस इंस्ट्रक्टर हायर कब किया वन अक्टूबर सेकेंड अक्टूबर थ्री अक्टूबर फोर अक्टूबर ऑप्शन इज वन अक्टूबर व्हाट इज नोट डोगलस डोगलस वाटर रिलेटेड एक्टिविटी इसमें से कौन सा डोगलस का वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है फिशिंग बाथिंग स्विमिंग बोटिंग ऑप्शन इज बाथिंग क्योंकि डोगलस को फिशिंग का शौक था स्विमिंग का शौक था बोटिंग का शौक था लेकिन बाथिंग का शौक नहीं था हाउ मैनी डेज डोगलस डिड मेक प्रैक्टिस ऑफ अ वीक डोगलस स्विमर बनने के लिए पानी में सप्ताह में कितना दिनों तैरता था थ्री डेज फोर डेज फाइव डेज ऑप्शन इज फाइव डेज फ्रॉम विच पीक इको साउंड वॉइज रिटर्न आई हैड कंकट माई फीयर ऑफ वाटर कौन से पीक से इको का मतलब आवाज आया गुंजने का आवाज़ आया वो भी रिटर्निंग का रिटर्निंग में कि आई हैड कंकट माई फियर ऑफ वाटर वो आवाज़ क्या था कि मैं पानी के डर के ऊपर विजय प्राप्त कर चुका हूँ यह आवाज़ कौन से पिक से रिटर्न हुआ इको के रूप में वाम पिक कॉन्ड पिक गिलवर्ट पिक नन ऑफ द एब ऑफ ऑप्शन इज गिलवर्ट पिक रेटरे पेडलर हैड बिजनेस ऑफ रेटरे पेडलर का बिजनेस था सेलिंग रेटरे सेलिंग ब्रेड सेलिंग क्लोथ्स ऑल ऑफ एब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर पेडलर ऑलवेज और डॉट 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 ओल्ड क्लोथ्स न्यू क्लोथ्स हैंडमेड क्लोथ्स समोन्स गिवेन क्लोथ्स ऑप्शन नंबर ए इधर आए थे सर वन डे ही फॉलेन इन टू लाइन ऑफ थॉट वॉट वॉज इट एक दिन उसके मन में एक विशेष तरीका का ख्याल आया वह लाइन ऑफ थॉट में पड़ा वह क्या है लाइन ऑफ थॉट क्या है ऑल आर ग्रीडी सब लोग लालची हैं ऑल आर हेल्पफुल सब लोग मतलब हेल्पफुल हैं द होल वर्ल्ड इज बिग रेड ट्रैप पूरा का पूरा दुनिया जो है एकदम बहुत बड़ा चूहेदानी है ओनली आई हैव रेड ट्रैप केवल मेरे पास एक रेड ट्रैप है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर वेअर डिट पेडलर गेट गेट हीज इन द स्टोरी एट फर्स्ट इस कहानी में पेडलर जो है सबसे पहले सेल्टर कहाँ पाता है आइडर मास्टर हाउस आइडर मास्टर के घर में इडला हाउस क्रोफ्टर हाउस ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर क्योंकि क्रोफ्टर के घर में वह सबसे पहले सेल्टर पाया था बिकॉज ऑफ होम डिट पेडलर रिटर्न द दिन मनी टू द क्रॉफ्टर किसके कारण पेडलर चुराया हुआ पैसा जो क्रोफ्टर के का चुराया था पैसा उसको वह रिटर्न किया हाइजर मास्टर क्रोफ्टर एडला विलवेंशन और लॉकडेज ऑप्शन नंबर एडला विलवेंशन एडला विलवेंशन के कारण वह रहते पेडलर अपने आप को कैप्टन के जैसा मानने लगा था क्यों माना था आई हैव डिस्क आई हैव डिस्क इन द स्टोरी हाउ मैनी मेम्बर्स वेयर देयर इन आयरन मास्टर्स फैमिली वेन पेडलर वेंट देयर जब पेडलर आयरन मास्टर के घर गया था तो मास्टर के घर में कितने मेंबर प्रजेंट थे उसके फैमिली के टू तो, थ्री फोर मोर देन फोर आई थिंक ओनली टू राजकुमार शुक्लावाज ए डॉट 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 लीडर फार्मर प्रोफेसर इंग्लिश मैन आई थिंक फार्मर अबाउट विच प्लेस गांधी हैड नेवर हर्ड कौन से जगह के बारे में गांधी कभी सुने नहीं थे बिहार चंपारण पटना मुजफ्फरपुर आई थिंक चंपारण प्रोफेसर मलकानी वाज ए डॉट डॉट इन गवर्नमेंट स्कूल टीचर प्रोफेसर मलकानी जो थे गवर्नमेंट स्कूल के डॉट 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 थे मतलब क्या थे टीचर थे प्रोफेसर थे बोथ ए एंड बी थे नन ऑफ एब आई थिंक टीचर थे सोफी एंड जेंसी वी आर प्रीपेय फॉर वर्किंग इन द सोफी और जेंसी मतलब प्रिपेयर थे काम करने के लिए कहाँ पर स्कूल में बिस्किट फैक्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में ऑल ऑफ एब में बिस्किट फैक्ट्री में हु हैड मेड वी डैनी कैसी डैनी केसी से कहानी में कौन मिला है सोफी जेंसी बोथ नन आई थिंक सोफी व्हाट इज नोट एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो नीचे बोला गया उसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है थिंग्स ऑफ ब्यूटी का रिवर माउंटेन पीपल लीजेंड स्टोरी पीपल व्र डिड डॉक्टर सराव मीट विथ हाना डॉक्टर सराव हाना से कहाँ मिले थे इन प्रोफेसर हाउस इन स्कूल्स ऑफ अमेरिका इन सिटी ऑफ अमेरिका नन ऑफ एब इन प्रोफेसर हाउस वि द टाइगर किंग डू गेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टोकेल टाइगर किंग जो था नंबर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर प्राप्त करने के लिए जिसको मारना था जहाँ से उसके लिए वह क्या किया लेफ्ट हिज किंगडम अपने राज्य को छोड़ दिया किल्ड हिज दीवान अपने दीवान को मार दिया मैरिड विथ गर्ल वेर देयर वे आर मेनी टाइगर्स उस लड़की से शादी किया जहां पे मतलब बहुत ज्यादा टाइगर थे ऑल ऑफ दे आंसर इज ऑप्शन नंबर सी व्हाट वाज द नेम ऑफ रशियन वेल्स वेफ फालकर अकाडमिक शोक की द एरोप्लेन मेट्रो आई थिंक आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही